इन्वर्टर फ्रिज को नॉर्मल फ्रिज कैसे बनाया गया। कई बार ऐसा होता है हमारा इन्वर्टर फ्रिज का पीसीबी बोर्ड भी खराब हो जाता है और कंप्रेसर भी खराब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें पीसीबी बोर्ड और कंप्रेसर दोनों को बदलने में बहुत हैवी खर्च आ जाता है। उतने खर्चे में हमारी या तो आप यूँ कह लें कि थोड़ा और पैसे मिला के आप नया फ्रिज ले सकते हैं, या फिर जितने में आप उसको बनाने जाएंगे उससे आधे रेट में ही आपका नॉर्मल फ्रिज बन जाएगा। मतलब वो इन्वर्टर से नॉर्मल बना सकते हैं आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसके आधे खर्चे में। तो इसलिए कई लोग जो हमारे इन्वर्टर फ्रिज को नॉर्मल बनाते हैं, तो उनको वायरिंग में बता दूं, उनकी वायरिंग कई लोगों को नहीं पता होती। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्वर्टर फ्रिज को नॉर्मल फ्रिज बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कंप्रेसर लगाना पड़ता है, इन्वर्टर कंप्रेसर निकाल के उसके बाद हमें उसकी वायरिंग करनी पड़ती है गैस। तो उसकी वायरिंग डायग्राम मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लाइव करके दिखा देता हूँ गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फेस है गैस, ये रेड वाला वायर हमारे पास फेस है और ये व्हाइट वाला वायर हमारे पास न्यूट्रल है। तो ये दोनों वायर हमारे मेन न्यूट्रल और मेन फेस हो गए। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ मेन न्यूट्रल से। तो मेन न्यूट्रल गैज हमारा यहाँ पर आ रहा है और मेन न्यूट्रल आके डायरेक्ट इस वाले बल्ब के साथ हमारा कनेक्ट हो गया, ये देख सकते हो आप। हमने इसको बल्ब वाले वायर के साथ ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद गैज ये हमारा मेन न्यूट्रल यहाँ से निकल के डायरेक्ट कंप्रेसर में लग जाता है। फिर यहाँ पे न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फेस की गैज। फेस यहाँ से गैज हमारा निकल रहा है और डायरेक्ट थर्मोस्टेट में लग जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ हमने थर्मोस्टेट में लगा दिया है। स्टेट में यहाँ पे हमने मेन फेस को लगाने के बाद गैज आप देख सकते हो हमारा मेन आउटपुट है और ये आउटपुट डायरेक्ट हमारे थर्मोस्टेट से कंप्रेसर में लग जा रहा है। यहाँ पे हमारा फेस का काम भी कंप्लीट खत्म हो गया। अब गैज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो मेन इनपुट है मेन लाइन, वहाँ से हमने एक वायर को लुक करके डायरेक्ट यहाँ हमने स्विच में लगा दिया, जो कि हमारा डोर स्विच होता है, उस डोर स्विच में हमने लगा दिया। उसके बाद ये हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब जैसे ही हम इस फ्रिज का दरवाजा ओपन करेंगे वैसे ही हमारी फ्रिज की लाइट जल जाएगी गैज, और ये हमारी फ्रिज की लाइट ऑफ हो जाएगी जैसे हम दरवाजा बंद करेंगे। फिर जैसे ही दरवाजा हम खोलेंगे हमारे फ्रिज की लाइट ऑन हो जाएगी और ये हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से गैज आप भी सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। और हमारा कंप्रेसर अभी चल रहा है, जैसे ही हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हमारा ये थर्मोस्टेट कट ऑफ मार देगा, फ्रिज हमारी बंद हो जाएगी। तो ये हमने पूरी तरीके से वायरिंग किया है गैज।